तो चलिए फ्रेंड्स, आज का कंप्यूटर का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में 50 क्वेश्चंस हैं। तो आज के सेट में मैंने ऑप्शंस नहीं दिए हुए हैं, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन दिया है और क्वेश्चन के कुछ सेकंड बाद आपका आंसर आएगा। तो इसमें आपको अपना आंसर खुद बताना है, कोई ऑप्शंस में से नहीं आएगा। वो तो देखते हैं आपने इतने दिनों तक जितना भी पढ़ा है, जितने क्वेश्चंस पढ़े हैं, उसमें से आप कितने क्वेश्चंस के आंसर अपने आप बता सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पर वेब पेज दिखाने में मदद करता है और वेब पर नेविगेट करता है, वो क्या कहलाता है? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो स्क्रीन पर वेब पेज दिखाने में मदद करता है और वेब पर नेविगेट करता है, वो क्या कहलाता है? चलिए, कुछ सेकंड का टाइम है आपके पास, फिर मैं आपको आंसर बताती हूँ। तो ऐसे सॉफ्टवेयर को ब्राउज़र बोलते हैं, इसका आंसर होगा ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसा डेटाबेस प्रोग्राम जो इंटरनेट पर तथ्यों को ढूंढने का काम करता है, वो क्या कहलाता है? तो चलिए, इसका आंसर होगा सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताइए। तो इसका आंसर होगा टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र और ग्राफिकल ब्राउज़र। ब्राउज़र दो प्रकार के होते हैं, टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र और ग्राफिकल ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र की विशेषता क्या होती है? कुछ भी अगर आपको इसकी विशेषता याद होगी, क्या इसकी क्वालिटी होती है टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र की, चलिए बताती हूँ आपको कि टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र जो होता है वो वेब पेज खोलने में न्यूनतम समय लेता है। सबसे कम समय टेक्स्ट ओनली ब्राउज़र ही लेता है वेब पेज खोलने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिकल ब्राउज़र की विशेषता क्या होती है? ग्राफिकल ब्राउज़र मल्टीमीडिया युक्त वेब पेज दिखाता है, मल्टीमीडिया युक्त वेब पेज दिखाता है। मतलब सिर्फ टेक्स्ट नहीं होता है, ग्राफिकल ब्राउज़र से जो पेज दिखता है उसमें सिर्फ टेक्स्ट नहीं होगा, उसमें मल्टीमीडिया होगा, मतलब इमेजेस होंगी और क्लिप्स होंगी, सारी चीज़ें होंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है, नाम बताइए। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन और बेसिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के दो प्रकार कौन से होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसका आंसर बता देती हूँ मैं आपको कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता को बढ़ाने और नियंत्रित करने के लिए और चलाने के लिए, मतलब कंप्यूटर की प्रोसेसिंग को नियंत्रण करता है, पढ़ाता है, चलाता है, उसके लिए डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम के संग्रह को सिस्टम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को भी अभिव्यक्ति के लिए भाषा की ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर के प्रोग्राम की भाषा भिन्न भिन्न किस्म की होती है, इनमें से एक है मशीनी लैंग्वेज, यह क्या है? मशीन लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज होती है? कोई और नाम, कोई और रिप्रेजेंटेशन आपको पता है? इसे बोलते हैं बाइनरी लैंग्वेज, क्योंकि ये बाइनरी अंकों के रूप में लिखे गए निर्देशों का एक समूह होता है। बाइनरी आपको पता है जीरो और वन के फॉर्म में होती है, तो कंप्यूटर की जो लैंग्वेज होती है वो जीरो और वन के फॉर्म में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो डिवाइस को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? दो डिवाइस को आपस में किसकी मदद से जोड़ते हैं? चलिए, आप टाइम ले लीजिए कुछ सेकंड का। कुछ भी आपको याद आ रहा है, इसका आंसर होगा इंटरफेस। इंटरफेस की मदद से जोड़ते हैं दो डिवाइस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या होता है? तो इसका आंसर होगा, यह प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच एक मीडिएटर या एक मध्यस्थ होता है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल प्रोसेसर और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच एक मीडिएटर होता है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल क्या काम करता है? तो इसका आंसर होगा, मेन मेमोरी और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच डेटा की अदला बदली को नियंत्रित करता है। इनपुट आउटपुट मॉड्यूल मेन मेमोरी और एक्सटर्नल डिवाइस के बीच डेटा की अदला बदली को, मतलब लेने और देने का जो काम होता है डेटा का, उसको नियंत्रित करता है। संचार नेटवर्क जिसका प्रयोग बड़ी संस्थाओं द्वारा प्रादेशिक, राष्ट्रीय और वैश्विक क्षेत्र में किया जाता है, वह क्या कहलाता है? फिर से आप देख लीजिए क्वेश्चन क्या है और टाइम ले लीजिए, उसका आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए कि नेटवर्किंग का बेसिक क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। किसी कंपनी के कर्मचारियों द्वारा एक ही स्थान में उपयोग किए जाने वाला अन्य रूप से निजी नेटवर्क क्या होगा? चलिए, इसका आंसर होगा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क।
माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? माइक्रो कंप्यूटर को टेलीफोन से कौन सी व्यवस्था जोड़ती है? चलिए, इसका आंसर होगा मॉडेम। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? चलिए, इसका आंसर होगा सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। सब्सक्राइबर्स आइडेंटिटी मॉड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई मैक्स किससे संबंधित है? वाई मैक्स किससे संबंधित होता है? इसका आंसर होगा संचार प्रौद्योगिकी, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है। एमएस वर्ड को रन कमांड के द्वारा खोलने के लिए क्या टाइप करते हैं? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैंने आपको 50 क्वेश्चन की रिसर्च में अभी तक करा रही हूँ, उसमें करवाया है ये क्वेश्चन। टाइप करते हैं विन वर्ड, WINWORD। एमएस वर्ड की विशेषताएं क्या हैं? इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, स्पेलिंग चेकिंग, ग्राफिक्स, दोनों या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है, तो इसमें से आंसर होगा आपका सी ऑप्शन, मतलब स्पेलिंग चेकिंग और ग्राफिक्स दोनों एमएस वर्ड की विशेषताएं हैं। एमएस वर्ड में बनाई गई फाइल को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ये, इसका आंसर होगा डॉक्यूमेंट। किस कमांड द्वारा डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पूर्व देख सकते हैं? चलिए, इसका आंसर होगा प्रिंट प्रीव्यू। एमएस वर्ड में सेलेक्ट लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? सेलेक्टेड लाइन को बोल्ड करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+B। एमएस वर्ड में सेलेक्टेड लाइन को अंडरलाइन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+U। सेलेक्टेड लाइन का लेफ्ट अलाइनमेंट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+L। एमएस एक्सेल को किस नाम से जाना जाता है? स्प्रेडशीट प्रोग्राम। किसी वर्कशीट के प्रथम सेल का एड्रेस क्या होगा? A1। स्लाइड्स को कैसे चलाना है? इसको कंट्रोल करने वाले टूल्स किस टैब में होते हैं? स्लाइड शो टैब ही होता है, उसी के अंदर ही टूल्स होते हैं कि कैसे चलाना है आपके स्लाइड शो को। जब पॉइंटर किस पर कर्सर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है? जब पॉइंटर किस पर कर्सर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा हो जाता है? हाइपरलिंक पर। पावर पॉइंट में बनाई गई प्रस्तुति को स्क्रीन पर प्रदर्शित करने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? स्लाइड व्यू। प्रत्येक स्लाइड का टाइम सेट करने के लिए आप कौन सी कमांड प्रयोग करते हैं? रिहर्स टाइमिंग। ए से जेड तक की कीज क्या कहलाती हैं? ए से जेड तक की कीज जो कीबोर्ड में होती हैं, ए से जेड तक की कीज वो क्या कहलाती हैं? अल्फाबेटिकल की। प्रारंभिक दिनों में कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह क्या इस्तेमाल होता था? वैक्यूम ट्यूब। कंप्यूटर के आविष्कारक कौन है? चार्ल्स बैबेज। सबसे पहला कंप्यूटर का नाम क्या था? ENIAC। इंटीग्रेटेड सर्किट वाले कंप्यूटर किस पीढ़ी के होते हैं? किस पीढ़ी के थे? तीसरी पीढ़ी। निम्न में से कौन सी इनपुट इकाई है? तो आप देख सकते हैं माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, तो ये सारी ही आपकी इनपुट इकाइयां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त IC चिप किससे बने होते हैं? सिलिकॉन से। प्लस, माइनस, इक्वल, हैश, एट द रेट आदि किस प्रकार की कीज कहलाती हैं? अर्थमेटिक साइन की। कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, होम एंड नम लॉक, स्क्रॉल लॉक, प्रिंट स्क्रीन, ये सब कौन सी कीज हैं? स्पेशल की। माउस को और किस नाम से पुकारते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस। मशीन लैंग्वेज के कौन कौन से दो हिस्से होते हैं? कमांड और ऑपरेंड। क्या किया जाना है? कंप्यूटर को यह निर्देश देने वाला क्या कहलाता है? कमांड। CPU के निर्देशानुसार इनपुट और आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? CPU के निर्देशानुसार इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ इंटरेक्ट करने वाले इनपुट आउटपुट मॉड्यूल को क्या कहते हैं? डिवाइस कंट्रोलर। CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार के अंतर को बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? फिर से सुन लीजिए क्वेश्चन, CPU और इनपुट आउटपुट डिवाइस के बीच रफ्तार का जो अंतर होता है उसको बराबर करने के लिए डिवाइस में कौन सी सुविधा होनी चाहिए? बफर। एक रेफरेंस है जो डॉक्यूमेंट के एक भाग की सूचना को दूसरे भाग में पहुंचाता है, इस रेफरेंस को क्या बोलते हैं? क्रॉस रेफरेंस। एमएस वर्ड में पैराग्राफ या लाइन को सेंटर अलाइन करने के लिए किस कुंजी का प्रयोग करते हैं? Ctrl+E।
वर्ड में गो टू ऑप्शन होता है? किस मेन्यू में होता है गो टू ऑप्शन? एडिट मेन्यू में। कीबोर्ड की सहायता से एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना हो तो कौन सी की काम में लेते हैं? जिस लाइन पे आप हैं उसके एक लाइन ऊपर सेलेक्ट करना है तो कौन सी की काम में लेते हैं? शिफ्ट प्लस अप एरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमएस एक्सेल में फॉर्मूला हमेशा किससे प्रारंभ होता है? इक्वल के साइन से। इक्वल का साइन आप पहले लगाओगे उसके बाद आप फॉर्मूला स्टार्ट करोगे। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है। एक्सेल में सेल का प्रारूप बदलने का कार्य होता है फॉर्मेट मेन्यू से। एक्सेल में डेटा को निश्चित क्रम में सॉर्ट किया जाता है। किस मेन्यू से सॉर्ट करने का काम होता है? एडिट मेन्यू से। तो ये 50 क्वेश्चंस थे आपके। ऐसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो लाती हूँ जल्दी से जल्दी। आप वीडियोस देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।